ईदगाह पर पुल एवं स्वागत द्वार निर्माण कार्य भूमि पूजन संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून स्टार न्यूज 24। देवरी नगर के ईदगाह में विधायक निधि मद से निर्मित होने जा रहे पहुंच पुल एवं प्रवेश द्वार निर्माण कार्य का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके पूर्व इमामबाड़ा परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक यादव ने कहा कि देवरी नगर सभी धर्मों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव आपसी प्रेम की गंगा जमुनी की तहजीब की मिसाल है। देवरी नगर में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनसे हमारा नाता प्रेम और भाईचारे का है और रहेगा। इस अनूठे सद्भाव को बनाए रखना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, इसे किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह हमारा घर, हमारा नगर है, इसकी शांति और विकास हम सब की जिम्मेदारी है। मुस्लिम समुदाय सीमित संसाधनों में जीवन निर्वाह करने वाला स्वाभिमानी समुदाय है, जिनकी मांग भी सार्वजनिक हितों को लेकर होती है, जिनकी पूर्ति हमारी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर कमेटी द्वारा ईदगाह मैदान में शेड निर्माण, रात्रि में अंतिम संस्कार के लिए प्रकाश व्यवस्था, भूमि माप, बाउंड्री वाल निर्माण करवाने सहित संजय नगर एवरेस्ट हाउस पर कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटित करवाए जाने की मांग की गई, जिसके संबंध में श्री यादव ने उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करवाए जाने एवं कार्य पूर्ण कराए जाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला मंत्री एवं युवा नेता प्रीतम सिंह राजपूत ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। मुस्लिम समुदाय के साथ भाईचारा और प्रेम पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिला है, यह अटूट बंधन है जो हमेशा बरकरार रहेगा। ईदगाह और आसपास का इलाका मेरी पंचायत के अंतर्गत आता है, इसके निर्माण की जिम्मेदारी एक कुशल और अनुभवी ठेकेदार को सौंपी गई है। इसका निर्माण शीघ्र एवं गुणवत्ता के साथ होगा, जिससे मुस्लिम बंधुओं की सुच्चे नदी पुल पार करने की समस्या निराकृत होगी। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा विधायक निधि मद से 6,80,000 लागत से निर्मित हो रहे पुलिया एवं स्वागत द्वार का भूमि पूजन मुस्लिम धर्मगुरु हाफिज सईद के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अनिल मिश्रा कांसखेड़ा, आलिम साहब आकिल, कारी साहब तारिक, कारी साहब मोहम्मद, मुबारक खान, सलीम खान, यासिन खान, वकील खान, नईम खान, नबी अहमद साहब, जहीद खान, हाजी शकूर खान, समीम खान, रोशन खान, नासिर खान, जमील सट्टेदार, ताहिर खान, अमजद खान, नवाब खान, बंटी खान, इकरार खान, छोटू बादशाह, गुड्डू खान, कृष्ण कुमार यादव, सौरभ नामदेव, भरत रजक, संदीप सोनी, प्रकाश कोष्टी, हुकुम कोष्टी, मुकेश कोष्टी, रामदास विश्वकर्मा, रामस्वरूप दुबे, फिरोज खान सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जो सीमित संसाधनों में अपना जीवन यापन करती है, जो गुजर बसर करती है, कभी किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगने की आदत नहीं है। मैंने लंबे समय से, जब से सार्वजनिक जिंदगी में मैं कदम रखा, तब से मैं मुस्लिम भाइयों से बखूबी जानता हूँ। मिलना जुलना, उठना बैठना, सुख दुख में आना जाना रहता है। बेहद कर्मठ और ईमानदार समाज है। अपने काम के प्रति, अपने लगन काम के प्रति बेहद लगन उत्साह से काम करने वाले लोग हैं, और मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। आज जिस तत्व में पहुंचा हूं, तो उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का बेहद बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हर दौर में, हर समय में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। मगर इन्होंने कभी अपनी इच्छा ये नहीं करी कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, या हमारी ये मांग पूरी हो जाए, हमारी वो मांग पूरी हो जाए। जब कभी बात हुई तो सामान्य ढंग में अपनी बात रखने का जरूर कोशिश की। निश्चित रूप से दोनों विधानसभा के नगर की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, ये हम सबकी दायित्व बनता है कि हम हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान दें। और निश्चित रूप से वो दायित्व जो आप लोगों ने मुझे विधानसभा का प्रथम नागरिक बनाने का काम किया था, वो दायित्व निभाते हुए मैंने
मुस्लिम समाज के लिए हर समय जो बन सका वो करने का प्रयास किया है। और मेरी एक मान्यता भी रही है, जब भी कोई धार्मिक आयोजन या धार्मिक आयोजन के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, कोई राशि की मांग करते हैं, कोई निर्माण कार्य की मांग करते हैं, तो खुले हाथ से मैंने देने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से बहुत सारे मंदिरों की बात हो, चाहे मंदिरों में चबूतरे की बात हो, चाहे मुस्लिम समाज के ईदगाह की बात हो, चाहे अन्य स्थानों पर निर्माण कार्यों की बात हो, मैंने प्रयास किया है कि हमारे क्षेत्र में ये छोटी मोटी जरूरतें हैं वो पूरी हों। निश्चित रूप से देवरी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है, खासतौर से नगर, जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम नवाज समाज की निवास करती है। मैं जिस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण हिंदू मुस्लिम और सभी समाजों में है, जिस तरह से यमुना यमुनी संस्कृति का प्रदर्शन हमारे क्षेत्र में होता है,